सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो गेमिंग रिलेटेड नहीं है, आज की वीडियो थोड़ा हट के है क्योंकि इस साल हमें केवल बैड पे बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही थी, लेकिन कल रात में हमें एक ऐसी गुड न्यूज़ सुनने को मिली है जो सभी यूट्यूबर्स और सभी गेमर्स और एज एन इंडियन बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि गाइस, कल इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें हमारा प्यारा टिकटॉक भी शामिल है। सो गाइस, इससे बड़ी खुशी तो मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर या गेमर या इंडियन को हो सकती, क्योंकि टिकटॉक पे इतने क्रिंज कंटेंट भरे हुए थे। सो चलिए देखते हैं गाइस, गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या कहा है। सो बेसिकली गाइस, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये ऐप्स भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ हैं, और गाइस ये ऐप भारत की सिक्योरिटी के भी खिलाफ हैं, तो इन्हें बैन किया गया। और गाइस, ये रही लिस्ट उन 59 ऐप्स की जिन्हें बैन किया गया इंडिया में कल रात को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो गाइस, इसमें काफ़ी फेमस चाइनीज़ ऐप्स हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, टिकटॉक और हेलो, वी मेट। सो गाइस, इतने फेमस चाइनीज़ ऐप्स हैं जिन्हें हम इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, और इन्होंने पता नहीं कितनी हमारी डाटा को चुराया होगा। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए भी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, और इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।